हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे होंगे, अभी ये ब्रिज है नए वाली, जो कि आपको पता चल रहा होगा। ये लेटेस्ट वाला मॉडल है ब्रिज का, पेट्रोल में 7653 किलोमीटर गाड़ी अभी रनिंग हुई है। और इसके अंदर ऑटो ऑफ की लाइट यहाँ पर बिलिंग कर रही है, और हाइब्रिड के जो बैटरी के सेल होते हैं वो एक भी इसके अंदर शो नहीं कर रहा है, जैसे आपके वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हो यहाँ पे वो गाड़ी है। और ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही है, जैसे मैं आपको सेल्फ मार करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही है। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ऑटो ऑफिस में परमानेंट यहाँ पे बिलिंग कर रहा है, और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज आउटसाइड फिटमेंट है, जिसकी वजह से करंट लॉस हो रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके आउटसाइड फिटमेंट को चेक करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या फिटमेंट हो रही है इसकी। तो हम अपना सिस्टम भी यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंजन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, सिर्फ पावर स्टीयरिंग और बैग हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए एक बार आउटसाइड फिटमेंट चेक करते हैं इसकी। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी जो पार्किंग से भी यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर से भी यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे नीचे फॉग लैंप की तरफ जैसे आप वायर जा रही है, तो यहाँ पे अलग से ये फिटमेंट इसके अंदर दी हुई है, जैसे ये देख पा रहे हो। तो बहुत सी बार इनके वजह से भी यहाँ पे करंट लॉस होता है और गाड़ी स्टार्ट होने में या कुछ सेंसर उसके काम नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो कभी भी आपने काम कराना है तो ओरिजिनलिटी के साथ ही काम कराना चाहिए, इस टाइप से जुगाड़बाजी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आप फिर भी पैसे खर्च करने के बाद इस टाइप से अगर आप काम कराओगे तो वो आपके लिए बेटर नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, जैसे इस गाड़ी के साथ हुआ है। ये गाड़ी खींच करके आई है क्रेन से, ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, बीच रास्ते में कहीं ये बंद हो गई थी। तो गाइस, अभी हमने यहाँ से ग्लो बॉक्स हटाया है, तो जैसे ये देख पा रहे होगे यहाँ पे भी आउटसाइड फिटमेंट है, ये यहाँ पे वायर लगी हुई है, यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ये फ्यूज वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे वायरिंग अलग से फिट कर की है फ्यूजों के पास में, और यहाँ पे भी बहुत सारे वायर यहाँ पे पड़ी हुई है। ये यहाँ पे अलग से फिटमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे करंट लॉस्ट हो रहा होगा। तो चलिए एक बार हम इनको हटाते हैं और फिर चेक करते हैं। यहाँ पे अलग से जुगाड़ किया हुआ है कुछ ना कुछ फ्यूज के अंदर, जो कि यहाँ पे वायर कनेक्ट हो रही है। ये एक और लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक बार देखते हैं हम दूसरे फ्यूज इसके अंदर लगाते हैं, कुछ हमें रिजल्ट मिलता है इसका या नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो हमने हटा दिया है यहाँ से। कुछ यहाँ से फ्यूज के बॉक्स आपको खाली दिखाई दे रहे होंगे, तो चलिए अभी हम उनमें सारों में फ्यूज लगाते हैं, जहाँ से हमने दो फ्यूज निकाले हैं वायर लगे हुए, यहाँ पे हम दूसरे फ्यूज लगाएंगे, और जो बाकी जो फ्यूज की जगह जहाँ पे खाली है वहाँ पे भी हम नए फ्यूज लगाएंगे। अभी यहाँ पे फ्यूज बॉक्स इसका नहीं था, तो हमने भी दूसरी गाड़ी का यहाँ पे फ्यूज बॉक्स निकाला है, जिस पे फ्यूज लिखा हुआ है कौन सा फ्यूज किस चीज के लिए काम करता है। तो मैं दूसरी गाड़ी में से यहाँ से अभी निकाल करके लाया हूँ, तो अभी देखते हैं कौन सा फ्यूज किस काम का है वो। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे 15 एम्पियर का और 20 एम्पियर का फ्यूज लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाले फ्यूज इसके अंदर नहीं लगे हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये दो फ्यूज इसके अंदर नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये फ्यूज अभी हम लगाएंगे 5 एम्पियर के पास बराबर में और 20 एम्पियर के बराबर में, क्योंकि 20 एम्पियर के दो फ्यूज एक साथ लगे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये देख पा रहे हो यहाँ पे एक 20 एम्पियर का रहा है और 20 एम्पियर का यहाँ पे रहा, दोनों साथ साथ लगे हुए हैं 20 एम्पियर के फ्यूज, तो भी एक लगा हुआ है हम यहाँ पे, एक 15 एम्पियर का और एक 20 एम्पियर का, हम नए फ्यूज अभी लगाएंगे इसके अंदर। तो गाइस, हम यहाँ से फ्यूज निकालेंगे अभी, एक 15 एम्पियर का हमारा यहाँ से निकल गया है, क्योंकि ये स्पेयर फ्यूज होते हैं जो अलग से हमें गाड़ी के अंदर मिलते हैं इमरजेंसी के लिए, तो एक 25 एम्पियर का रहा यहाँ पे, क्योंकि 20 एम्पियर का हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम 25 का ही लगा करके चेक करेंगे। तो अभी हम दोनों फ्यूज लगाते हैं इसके।
तो गाइज हमने यहाँ पे फ्यूज लगा दिए हैं इसके, जो हमें आउटसाइड फिटमेंट वाले वायर में लगे हुए थे वे हमने निकाल करके नए फ्यूज इसके अंदर लगा दिए हैं। यहाँ पे फ्यूज लग चुके हैं, ये पूरी वायर हमने इसके अंदर से निकाल करके वहाँ पे फ्यूज लगा दिए जहाँ पे वायर ऐसी इस टाइप से लगाई हुई थी। तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्योंकि उसके अंदर चेक करते हैं। सबसे पहले ऑटो ऑफ की हमारी जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो बंद हो गई है, अगर वो बंद हो गई तो उसके अंदर लाइट, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए एक बार चलते हैं MID की तरफ। तो गाइज हम अभी आ चुके हैं MID की तरफ, जैसे मैंने इग्निशन यहाँ पे ऑन किया है तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाइब्रिड की बैटरी के जो पहले सेल नहीं आ रहे थे वे सेल अभी यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि ये पहले नहीं आ रहे थे। और अभी ऑटो ऑफ की भी लाइट इसकी चली गई है, वो ब्लिंक नहीं कर रही है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ स्क्रीन में, ये जैसे जी ये लाइट चली जा रही है अपने आप ही क्योंकि ये पहले लाइट नहीं जा रही है। तो चलिए अभी चांस हो रहे हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक बार। तो भाई जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जो आउटसाइड यहाँ पे फिटमेंट थी जिसकी वजह से करंट लॉस हो रहा था, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी, तो हमने उसका भी सॉल्यूशन कर दिया है यहाँ पे क्योंकि उसकी जगह हमने नए फ्यूज लगा दिया। पूरी आउटसाइड फिटमेंट वाली वायर हमने पूरी निकाल दी है, यहाँ पे ये वायर रखी हुई है जो लगी हुई थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप आउटसाइड फिटमेंट कुछ भी मत लगवाना कभी भी गाड़ी में भूल कर भी, क्योंकि इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है क्योंकि ये वायरिंग कट होके ही ये आउटसाइड फिटमेंट करी जाती है क्योंकि इनके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं होती है। तो आपने कभी नहीं लगवाना है, थोड़े पैसे खर्च करके अगर ऊंचा मॉडल ले लो जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे तो वो बेटर है इससे। अगर आप अलग से फिटमेंट कराओगे तो उसका ऐसे ही आपको भुगतना पड़ जाएगा जैसे इस कस्टमर ने क्रेन से खिंचवा करके चार्ज दिया है, और जो परेशानी हुई होगी वो अलग है। तो आपने सब चीज को अवॉइड करके आपने थोड़ा ऊंचा मॉडल ले लेना है थोड़े पैसे खर्च करके, तो आपको कभी भी इस चीज की समस्या, इस टाइप की समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कभी भी आउटसाइड फिटमेंट मत लगाना, जो ओरिजिनल है उसे ही रहने देना। तो अभी हमारी गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि आउटसाइड फिटमेंट जो लगा हुआ था इन्होंने करंट लॉस हो रहा था और गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही थी। तो अभी बिल्कुल हमारी फर्स्ट क्लास गाड़ी है, स्टार्ट गाड़ी खड़ी है अभी, इस तार की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ये जो तार आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये जो तार यहाँ पे लगवाया हुआ था जिसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे रिले है, ये सर्किट है और ये आपके सामने है जिसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ये मैंने आपको हटा करके वहाँ पे इसकी जगह दूसरे फ्यूज लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूज में वायर लगी हुई थी जैसे ये आप देख पा रहे हो, तो इन्हें हटा करके मैंने नए फ्यूज वहाँ पे लगा दिए। तो हमारी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे हाइब्रिड के सेल भी इसके अंदर आ चुके हैं जो कि ये पहले नहीं आ रहे थे, और यहाँ पे ऑटो ब्लिंक कर रहा था ये वाली लाइट, वो अपने आप ही चली जाएगी थोड़ी देर बाद जैसी ये चली गई है। अभी साइड फिटमेंट मत कराना क्योंकि इनसे शॉर्ट सर्किट होने के बाद गाड़ी के अंदर आग भी लग सकती है क्योंकि वायर के ऊपर जैसे ही लोड पड़ेगा तो उसके अंदर हीटिंग की वजह से आग लग सकती है। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एक ये वायर है और इसमें हम 10 कट दे देंगे यहाँ से यहाँ तक के, तो ये वायर गर्म होगी, गर्म होने के बाद ये जल जाएगी, जलने के बाद गाड़ी के अंदर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही चीज है जो गाड़ी के अंदर आग को प्रमोट करती है, तो आपने कभी भी ये चीज नहीं लगवानी है गाड़ी के अंदर, तो उसका आपको नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है क्योंकि एंड टू एंड तो नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको उठाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।